दूसरी बार भी, लेकिन उस लड़की को दोबारा से उसी इंसान से प्यार होता है, और वो क्यों होता है वो आपको वीडियो देख के पता चलेगा। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लव, तो मैं सबको बोलूँगी कि आप ये गाना जरूर देखें और शेयर करें, जैसे आपने पहले मेरे सभी गानों को बहुत सारा प्यार दिया है। मम्मी नो पसंद है तो तेरा गुरम हूँ सैंडल पटाखे एवरीवेयर, सो आप सभी ये गाने को भी उतना ही प्यार दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि जो इंसान प्यार नहीं करता है वो दुनिया में आया भी नहीं है। प्यार तो हम सबको करना चाहिए, बिना प्यार के हम इंसान इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। प्यार तो ज़रूर करना चाहिए, एक बार दो बार, दूसरी बार क्यों करना चाहिए वो आपको वीडियो देख कर पता चलेगा। द लास्ट रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ अस वांट मैम टू सिंग एट लीस्ट टू लाइंस फ्रॉम अवर सॉन्ग, राइट? कम ऑन गाइस, we need some power again. ओ मेरा पहला प्यार तुसी तुए जानदा, सानू कठिया नू होगे किन्ने साल। ओ मेरा पहला प्यार तुसी तुए जानदा, सानू कठिया नू होगे किन्ने साल। मैनू दूजी वारी प्यार होया सोनिया, दूजी वार भी होया मैनू, दूजी बारी प्यार होया सोनिया, दूजी बार भी होया है तेरे नाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले सबको सत श्री अकाल। मैं पंजाब से स्पेशल यहाँ पे आई हूँ अपने गाने को प्रमोट करने के लिए, और आप सबका बहुत सारा थैंक यू, आप सब आए। और इस गाने का स्पेशल इस गाने में ये है कि एक लड़की जो है वो प्यार करती है, उसको प्यार होता है, और प्यार जो है वो दोबारा कर रही है, जो कि नई बात तो नहीं है दोबारा प्यार करना, लेकिन उसको दोबारा प्यार क्यों हो रहा है वो आप मेरी वीडियो में देखोगे। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। सो प्लीज़ गाने को ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो की जब हम बात करते हैं, म्यूजिक के बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ कहाँ शूट किया हमने, और बहुत रिच लग रहा है अगर हम पोस्टर देखने की वीडियो सो रिच। गाना जो है हम लोगों ने राजस्थान में शूट किया है, मंडावा में, और बहुत अच्छी जगह थी, और हम लोग वहाँ पे शूट करके आए थे। दैट्स इट। या कॉस्ट्यूम को लेके कुछ मेरे को सुनने में आया है बहुत हेवी कॉस्ट्यूम। जी जी, एक्चुअली थोड़े दिन में जो जो पिंक गाउन आप मेरे को उसमें पहने देखोगे वो थोड़े दिनों में रेडी हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चाहिए था कि पूरा फ्लोर को वो उसने कवर करना था गाउन को, तो हमने वहाँ फिर अपने पंजाब में डिज़ाइनर है, हमने उनको बोला कि हमें जो चाहिए था, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ हमें बना के दी। तो गाने में वो आपको वो भी कॉस्ट्यूम भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत उसने डॉल के जैसे दिखाया है। पति पत्नी और वो में आपका गाना, और फिर उसका कहीं और चला जाना, व्हाट एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था जो ऐसा हुआ? विच सॉन्ग? हम कभी तो पति पत्नी वो में कोई गाना आपका आना जो आप मम्मी की जय में चला गया, मुझे अभी तक नहीं पता है सच्ची में। सीरियसली? या सीरियसली, कौन सा गाना? ओके ओके, द थिंग इज़ कि मैं काम कर रही हूँ अभी, थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वही सारा कुछ मैनेज करते हैं, तो मुझे ज़्यादा मुझे तभी पता चलता है जब भी कोई काम करना होता है, जब थोड़ा सा टाइम रह जाता है। जैसे जब मैंने बॉम्बे आना था तो मैं मेरा शो था पटियाला में, तो मुझे शाम को पता चल रहा था कि हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए, तो ऐसे रहता है। तो इस चीज़ के लिए ये जो आप बात बोल रहे हैं वो अभी तक मुझे नहीं पता चली है, क्योंकि वो मुझे स्ट्रेस नहीं देते हैं ज़्यादा, बोलते नहीं हैं, कुछ भी काम होता है तो जब आ जाती है चीज़ तब मुझे पता चलता है, बट थैंक यू मुझे आपसे पता चल रहा है। जी जी जी, मोहित, मोहित ने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच मोहित, मैं उनको पहली बार मिली हूँ, और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों को गाने में देखने को मिलेगी,
सो थैंक यू सो मच मोहित ऑल्सो. या इस गाने की क्या खास बात थी, क्या यूएसपी होने वाली है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस? गाना इसमें स्पेशल ये है कि मैंने जितने भी गाने अभी तक किए हैं वो सारे पैपी नंबर्स किए हैं, सारे चुलबुले से गाने किए हैं. ऐसा गाना मेरा पहले कभी नहीं आया है. रोमांटिक सैड गाना है जो मैंने पहले कभी ऑडियंस ने मेरी आवाज़ में सुना भी नहीं है और मुझे ऐसे एक्ट करते हुए देखा भी नहीं है. सो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है कि वो सुनेंगे जब देखेंगे गाने को तो उनका कैसा फीडबैक होगा, उनको कैसा लगेगा ये गाना देखने में और सुनने में. सो आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगे. यही इसकी अलग बात ये गाने की यही है कि ऐसा गाना मेरा खुद का ही पहली बार आ रहा है, पहले कभी नहीं आया. या पब्लिक को मैं यही बोलूँगी कि सभी खुश रहें और खुशियाँ बांटे, दैट्स इट. जी फीमेल चेहरे खासकर के सिंगर की मैं बात करता हूँ, श्रेया घोषाल से लेकर सुनिधि चौहान, सब लोगों ने अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाई. हम भी सी एज आइडल ऑफ यू, और लता जी का तो कोई जवाब ही नहीं है. जी आइडल मुझे ऐसे रहता है कि मैं सबसे कुछ ना कुछ चुराती हूँ. बहुत सारे लोग हैं, सबने, जैसे आप श्रेया घोषाल जी की बात कर रहे हैं, सुनिधि जी की, लता जी की, उन सब में जो भी क्वालिटीज़ हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनके जैसा कुछ भी उनसे सीख सकूं. तो आइडल कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एक को मैं आइडल मानती हूँ. मुझे ये लगता है कि आप किसी आम इंसान में से आप कुछ भी उठा आप उसको अपने अंदर अपना सकते हैं, किसी की भी खूबी को. सो मैं मुझे सभी अच्छे लगते हैं. ऐसे तो मुझे मैं लकी होंगी मुझे किसी के लिए भी प्लेबैक करना पड़े क्योंकि ये मेरा काम है. तो बट आई लव दीपिका पादुकोण, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. तो मुझे है कि और कैटरीना कैफ कि मैं उनके लिए प्लेबैक करूं. या थैंक यू सो मच. अभी तो ये कल आ रहा है तो अभी पहले तो सारे यही देखें, इसको इन्जॉय करें. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो आपको वहाँ पता चलता रहेगा कि नया क्या आ रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.